हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ड्राइव एक्सपो। तो आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ एक्सयूवी 3XO का AX5 वेरिएंट, डीजल इंजन है। बाकी इससे कोई बस हमारा है नहीं अभी रिलेशन, क्योंकि डिटेल बैकग्राउंड इसका आपने कल देख ही लिया होगा। आज की वीडियो में बस आपको इसकी थोड़ी सी नाइट्स लुक दिखाएंगे कि नाइट में गाड़ी की लाइट्स वगैरह क्या विजिबिलिटी देंगी, क्या लुक आएगी गाड़ी की नाइट में। तो वीडियो तो अच्छी 4K में रिकॉर्ड करना चाह रहे हैं, बाकी देखते हैं क्या क्वालिटी आ रही है। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो इसमें अभी जो फॉग लैंप्स हैं वो नहीं आते X5 में, X7 से आपको मिलने शुरू होंगे, शायद X7L से या पता नहीं कौन से, अभी वो वेरिएंट हमारे पास आए नहीं तो आइडिया नहीं है। बाकी इसमें नहीं है, आपके यही हाई बीम और लो बीम पकड़ेगा। LED प्रोजेक्टर है। ये आपके DRLs हैं, यहाँ तक इंडिकेटर में कन्वर्ट हो जाएगा, मैं आपको बाद में दिखाता हूँ। अभी फ्रंट से आप रोस्ट ऐसी लुक देख सकते हो, और फ्रंट से ही दिखाएं तो अभी चलो पहले पीछे से चलते हैं, एक्सटीरियर कवर करते हैं फिर आपको इंटीरियर कवर करेंगे। पीछे से आप देख सकते हो तो कुछ इस तरीके की लुक आएगी। जो नंबर प्लेट की लाइट्स हैं ना वो भी घूमती है ना, वाइट कलर की दी हैं तो काफ़ी अच्छी लग रही हैं, प्रीमियम लुक दे रही हैं। और आपके रेयर के जो LED कनेक्टिंग टेल लैंप्स हैं, ओहो MX3 प्रो से आने शुरू हो जाते हैं। AX5 में काफ़ी चीज़ें मिल जाती हैं एक्स्ट्रा, वो मैंने बुकिंग वाली वीडियो में भी बताया और इसकी डिटेल बैकग्राउंड वीडियो में भी बताया है। बाकी ये हो गई रेयर से इसकी लुक। अब आगे इंडिकेटर, ऊपर हाई माउंट स्टॉप लैंप है, ब्रेक का है वो तो LED वाला, बाकी वो मैं ऑन करके दिखा नहीं सकता अकेला हूँ। बाकी आपको इसके इंडिकेटर्स और दिखाते हैं, तो ऐसे कुछ इसके इंडिकेटर्स आपके वर्क करेंगे। जो नीचे वाला पार्ट है कट के नीचे वो इंडिकेटर में कन्वर्ट हो जाता है, बंद करेंगे तो वो वापस DRL में कन्वर्ट हो जाएगा रेयर के। और आगे चलें तो आगे भी सेम ऐसा ही रहेगा, आप देख लो जो ऊपर वाले थे DRL वो अब इंडिकेटर में कन्वर्ट हो गए हैं। साइड मिरर पे इंडिकेटर आपको मिलते ही हैं LED। अब दिखाते हैं आपको इसका इंटीरियर, तो ये इसका इंटीरियर आप यहाँ से देखो, तो ये इसका आता है डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, आपका डिजिटल कह रहा हूँ, ये वाला आपका 26 सेंटीमीटर, क्या पता नहीं कितना है साइज, 26.03 सेंटीमीटर का आपका इंफोटेनमेंट सिस्टम। और इंटरफेस जो है आपका XUV700 वाला है इसका, जो सबसे अच्छी चीज़ है X5 में वो मेरे को ये और ये लगती है इंटीरियर में। बाकी स्टीयरिंग लेदर स्टिच भी इसी से आना शुरू होता है। और अब आपको इसकी लाइट्स का थ्रू दिखाता हूँ। अब आगे आप देखो, मैं इंटीरियर की लाइट बंद करूँ पहले तो, ठीक है। अब आप आगे देखना, ये हाई बीम मैंने डाल दिया, लो बीम पे आ गया और ये मैंने अभी कर दिया बंद, ठीक है। अब ये आपका लो बीम और ये अब आपका हाई बीम। कॉर्निंग लैंप्स वगैरह कंपनी अभी ऑफर नहीं करती है इसमें। बाकी इसमें यहाँ पे आपका गियर पर दिखाएगा, फोकस हो जाम, यहाँ पे आपको गियर दिखाएगा, यहाँ पे आपको इसके स्पीड बताएगा और RPM वगैरह तो जब आप चलाओगे तो वो शो करता है। बाकी इसका इंटरफेस आप वगैरह यहाँ से काफ़ी चीज़ें कर सकते हो, अभी टाइम नहीं है करने के लिए। और गाड़ी अभी आज सुबह से 175 किलोमीटर चली है और 12.3 की एवरेज दी है, जाम में ही चली है, जाम बहुत था आज। बाकी लाइट्स ऑन करें तो इंटीरियर की चलाते हैं क्या साहब? नहीं वैसे चलाते हैं। तो अभी गार्ड साहब आए, कह रहे गाड़ी को जरा साइड में लगा दो, बीच में खड़ी हुई है। तो इसका रिवर्स आपको कैमरा भी मैं अभी दिखाता हूँ, क्या हो गया, चलो पहले गाड़ी लगा लेते हैं। तो अभी गाड़ी हमने खड़ी कर दी है साइड में, बाकी फ्लैश लाइट ऑन हो गई है। ये इसका इंटीरियर था। अब रेयर से मैं आपको इसकी थोड़ी सी लुक दिखा देता हूँ फटाफट, फ्लैश लाइट ऑफ करता हूँ पहले तो। तो रेयर से इसके डैशबोर्ड की कुछ आपको ऐसी लुक मिलती है जो काफ़ी अच्छी लग रही है भाई साहब, कसम से बता रहा हूँ। अगर बजट हो 12 लाख, अगर आप AX5 तक आप एक बार बजट अपना करके देखो, हमारे एरिया में तो 12-10 आ रहा है ऑन रोड, 12-5 के आसपास आएगा, इंश्योरेंस में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है, वो डिलीवरी वाली रेट पता चलेगा। इन्होंने हमें बोला है कि 12-10 हम अभी लिख के दे रहे हैं, पर इंश्योरेंस में 5-7-8 हज़ार का लेके चलो, कम हो ही जाएगा। तो हम 12-5 के आसपास आइडिया लेके चल रहे हैं अभी। बाकी वेरिएंट सबसे बढ़िया है AX5, अभी भी कह रहा हूँ किसी को लेना हो AX5 ही लेना, नीचे वालों पे मत जाना, बिल्कुल बजट पे कंसर्न हो तो जाओ, अगर बजट है तो AX5 पे जाओ, ये नहीं कि बाहर से लगवा लूँगा। इसमें सब कुछ मिलता है, रिवर्स पार्किंग कैमरा तक आता है इसके अंदर, वो भी इसी वेरिएंट से ही आता है। बाद में कंपनी कुछ टाइम बाद कुछ वेरिएंट्स में ऐड ऑन कर दे या कुछ इसमें से हटा दे या प्राइस बढ़ा दे, वो तो बात की है। अभी क्या जो है, अभी ये फायदे का सौदा AX5 ही है। तो ये आप देख सकते हो इसके रियर से लुक, इंटीरियर मैंने आपको पूरा दिखा दिया, रात को कैसा लगता है, पीछे भी एक लाइट मिलती है वैसे तो। ये आप पीछे से नीचे की लुक देख सकते हो। तो आज की वीडियो में तो बस यही था, आपको थोड़ी राइड रात की इसकी लुक्स दिखानी थी जो हमने आपको दिखा दी। अल्ट्रा वाइड पर तो बेकार हो जाती है वीडियो, बाकी आप ऐसे देख के देखो, काफ़ी अच्छी लगती है। फ्रंट से भी आप देख लो, ये देखो। और हम आज हैं प्राइम ऑटोमोबाइल्स फरीदाबाद पे। आपको कोई भी गाड़ी लेनी हो
या तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे डीएम कर दो या कमेंट्स कर दो, कमेंट में आप मेरे को बता देना अपनी डिटेल्स। अगर आप हरियाणा से हो तो मेन तो यही है, हरियाणा या दिल्ली एनसीआर से हो तो काम काफ़ी आसान हो जाएगा। अगर बाहर से हो तो भी अरेंजमेंट कर देंगे, आपको कौन सी गाड़ी चाहिए महिंद्रा की आप मेरे को कमेंट में बता देना, वरना डिस्क्रिप्शन में आपको शोरूम की कॉन्टैक्ट डिटेल्स मिल जाएंगी, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, जो आपकी इच्छा हो आप वो कर लेना। आज की वीडियो में यही था, वीडियो आप कैसे लगी आप जरूर कमेंट्स बता सकते हो, फिर मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।